हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का रेसिपी है वो बहुत ही टेस्टी होने वाला है, सो लेट्स स्टार्ट। ये मैं बना रही हूँ वैनिला केक विद चोको चिप्स। भर भर के चोको चिप्स मैं इसमें डालूंगी। तो पहले तो मैंने दो एग्स का जो व्हाइट है वो सेपरेट कर लिया है, और जो दो योक्स है उसे 3/4 कप चीनी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें ही जाएगा 1/4 कप मेल्टेड बटर या फिर कोई भी बिना स्मेल वाला वेजिटेबल ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि पूरा चीनी जो है अच्छे से एकदम मेल्ट हो जाए। अगर आपके पास मिक्सर हो तो चीनी को पीस के ही डालिए, तो ये ज्यादा जल्दी से हो जाता है। आप चीनी को थोड़ा सा कम या ज्यादा डाल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, पर ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है। जो एग व्हाइट हमने सेपरेट की थी उसे अच्छे से फेंट लीजिए ताकि एकदम ये क्लाउड जैसा टेक्सचर हो जाए, और ये टेक्सचर एकदम गाढ़ा होना चाहिए ताकि आप जब इस बोल को पलटोगे तो ये नहीं गिरेगा, ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। इसको साइड में रख दीजिए। जो लिक्विड बैटर है उसमें मैंने ऐड किया है 1/4 कप वाटर और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर यहाँ पे ज्यादा नहीं देना है, नहीं तो केक एकदम स्टिकी सा बनेगा और ज्यादा फूलेगा नहीं। पिंच ऑफ सॉल्ट और 1 टेबलस्पून वैनिला एसेंस डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप लिक्विड मिल्क यूज करना चाहते हो तो पाउडर मिल्क और पानी दोनों ही स्किप कर दीजिए, और क्रीम मिल्क जो आता है फुल फैट क्रीम मिल्क, वो वाला क्रीम मिल्क यूज कीजिए। 1/4 कप पहले डालिए, उसके बाद जब आप मैदा डालोगे अगर आपको लगे कि और थोड़ा सा मिल्क चाहिए तब डालिए, पहले से ही ज्यादा मिल्क नहीं डालिएगा, नहीं तो बैटर पूरा एकदम पतला हो जाएगा और केक अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा सीव कर लिया है। अच्छे से छान लीजिए। छानने से क्या होगा, जो मैदा है वो एकदम एयरी बन जाएगा और एकदम फ्लफी होगा केक, और मैदे में कोई भी लम्स हो वो भी निकल जाएगा। यहाँ पे जो मैंने कॉर्नफ्लावर यूज किया है, आप भी जब केक बनाओ तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए। केक एकदम लाइट वेट होगा और खाने में भी इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का जो मेजरमेंट मैंने बोला है वही मेजरमेंट रखिएगा, तो फिर केक एकदम परफेक्ट बनेगा। और ये जो मैदा है इसको आप पार्ट बाय पार्ट ही मिक्स कीजिए, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, और ऐसे फोल्ड फोल्ड करके ही मिक्स कीजिए तो ही केक अच्छा बनेगा। और ज्यादा मिक्स मत कीजिए, ओवर मिक्स करने से भी केक हार्ड हो जाता है। और पार्ट बाय पार्ट मैदा मिक्स करने से ये धीरे धीरे गाढ़ा होगा और कोई भी लम्स नहीं होगा। जिस बोल में या फिर केक टिन में आप केक बनाओगे उसमें थोड़ा सा मेल्टेड बटर या फिर ऑयल ऐसे स्प्रेड कर लीजिए, और जो एग व्हाइट का जो क्लाउड हमने बनाया था वो इस बैटर में एकदम लास्ट में मिक्स कीजिए। एक टिप्स मैं और दे देती हूँ, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ये एग व्हाइट मिक्स करने के बाद ज्यादा देर तक इसे ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, नहीं तो जो इसमें एयर बबल्स जो बनेगा वो फूट जाएगा और केक अच्छे से राइज नहीं होगा। यहाँ पे मैंने 1/2 कप चोको चिप्स मिक्स कर दिया है। अगर आप चाहे तो इससे ज्यादा भी डाल सकते हैं और इससे कम भी डाल सकते हैं, पर 1/2 कप 1 कप मैदा में एकदम परफेक्ट होता है। और देखिए बैटर को मैं कैसे फोल्ड फोल्ड करके मिक्स कर रही हूँ, आपको ऐसा ही करना होगा। और कंसिस्टेंसी देख लीजिए, रिबन जैसा होगा। जब आप पोर करोगे तो ये टेक्सचर बिल्कुल रिबन जैसा लगेगा, तो ही केक का बैटर आपका परफेक्ट बना है, आप सोच लीजिएगा। इसको केक टिन में मैंने डाल दिया है। एक और टिप्स मैं दे दूं, मैंने यहाँ पे ऊपर से जो चोको चिप्स डाला है आप वो मत डालिए। अगर आप चाहते हैं कि केक के ऊपर चोको चिप्स ऐसे ही डिजाइन बना रहे, तो केक जब कुक होगा, कुक होने के 15 से 20 मिनट के बाद जब ये थोड़ा सा राइज हो जाएगा उसके बाद ऐसे चोको चिप्स डालिए तो ही ये ऊपर रहेगा, नहीं तो ये मेल्ट होकर पूरा नीचे चला जाएगा। आपका कोई भी फायदा नहीं होगा ऊपर डालने से, ये एकदम नीचे ही जाएगा। मैंने पहले से ही एक कढ़ाई में सॉल्ट डाल के इसे प्री हीट कर लिया था। यहीं पर मैं ये केक टिन को बिठा रही हूँ और इसको डबल कवर कर रही हूँ। डबल कवर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डबल कवर आप नहीं करोगे तो केक ठीक से नहीं बनेगा। ये केक बनने में 35-45 मिनट्स तक लग सकता है। 35 मिनट्स के बाद एक बार आप इसमें
चाकू या फिर कोई भी स्टिक अंदर घुसा कर देख लीजिए, अगर बैटर लिक्विड होगा तो चाकू में आ जाएगा, और अगर परफेक्टली हो जाएगा तो फिर ये सिर्फ चॉकलेट ही चाकू में आएगा, क्योंकि चॉकलेट लिक्विड होगा जब केक गर्म है तो। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा सा लिक्विड है तो आप 5 से 10 मिनट और इसको बेक कर लीजिए, तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। देखिए ये केक एकदम सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी बना था, और केक बनाने के बाद जो मुझे चीज लगा वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये चोको चिप्स वाला केक बना रहे हो तो एकदम गरम गरम ही इसको मत पलटिएगा। मैं जब भी केक बनाती हूँ तो इसे गरम रहते ही इसको एकदम पलट देती हूँ तो ये अच्छे से निकल आता है, पर चॉकलेट जो है वो पिघल के बीच में आ गया था इसलिए मिडिल से टूट गया था। तो इसे फुल ठंडा कीजिए, उसके बाद ही इसको फ्लिप कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं कि आप जब भी ये चोको चिप्स वाला केक बनाएंगे तो नीचे कोई भी बटर पेपर या फिर इको बेक डाल दीजिए तो ये अच्छे से निकलेगा, ये जो चॉकलेट है नीचे चिपकेगा नहीं। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बना था, मैं आपको अंदर से भी दिखा रही हूँ ये कैसे अंदर से लग रहा था। ये रेसिपी एक बार जरूर से ट्राई कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।